कुंभ के सकुशल आयोजन के बाद प्रयाग पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भक्ति भाव से ओतप्रोत दिखाई दिए। इस दौरान शाह का पूरा समय संत महात्माओं के सानिध्य में ही बीता। प्रमुख महात्माओं से एकांत में वार्ता करने के साथ शाह जूना अखाड़ा के मौजगिरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 151 फीट ऊंचे त्रिशूल का पूजन करके यमुना तट पर स्थापित किया। पूजन में 13 अखाड़ों के प्रमुख महात्मा भी शामिल हुए। बता दें कि देश के इस सबसे ऊंचे त्रिशूल का वजन 31 टन है। स्टैंडर्ड स्टील से बने विशाल त्रिशूल को खड़ा करने के लिए 80 फीट नीचे तक यहां पर गड्ढा किया गया था। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हवा को भी ये बर्दाश्त कर सकेगा, साथ ही भूकंप का भी इस त्रिशूल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जूना अखाड़ा गुंप क्षेत्र नासिक व उज्जैन के यहाँ पर यंत्र बकेश्वर में भी ऐसा त्रिशूल लगाया जा चुका है, और त्रयंबकेश्वर में अमित शाह ने ही ये त्रिशूल का पूजन किया था। आइए देखते हैं औरैया से।